तो हेलो गाइस, माय नेम इज जय किशन एंड यू वाचिंग जेकी टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूँ, एयरटेल वर्सेस जियो का 5G स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से बिना टाइम को वेस्ट किए स्पीड टेस्ट को करना स्टार्ट करते हैं। और फिलहाल तो मैं घर पे हूँ, लेकिन अभी मैं जाने वाला हूँ बेतिया, मतलब यहाँ से अपने 26 किलोमीटर या 27 किलोमीटर दूर जाने वाला हूँ। वहाँ पे एयरटेल का भी 5G आ चुका है, जियो का भी 5G आ चुका है, और मेरे एरिया में आप लोग को पता ही है कि एयरटेल का 5G आ चुका है। तो यहाँ पर एयरटेल का 5G का मेरे को स्पीड पता है क्या मिल रहा है, आपको भी पता होगा, मैं वीडियो डाल चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन जियो का जो 5G स्पीड है, मुझे नहीं पता है क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो मैं जाने वाला हूं यहां से, तो मैं सोचा चलो भाई चलते हैं, तो वहां पे टेस्ट भी कर लिया जाएगा क्या स्पीड आ रहा है। तो चलो फटाफट चलते हैं, मतलब बेतिया पे है, मतलब यहां से कुछ दूर, और दिन वहां पे हम लोग ट्राई करेंगे कि जियो का और एयरटेल का दोनों का स्पीड एक साथ में, मतलब क्या स्पीड आने वाला है। और वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हर एक एरिया में अलग अलग स्पीड मिलता है, ठीक है। तो चलो फटाफट से चलते हैं, अब बिना टाइम को वेस्ट किए वहां पे स्पीड टेस्ट करते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से करना, और आपके एरिया में 5G आया है कि नहीं आया है, और आया है तो किस कंपनी का 5G आया है, आप लोग जरूर से कमेंट में बताते जाना। चलो फटाफट से चलते हैं स्पीड टेस्ट की ओर। तो गाइस यहां पर आप देख सकते हो दोनों डिवाइस में, एक में जियो है एक में एयरटेल है, ठीक है। और यहां पर देख सकते हो दोनों में मैंने गो करता हूं एक साथ में, और यहां पर देख सकते हो दोनों में कनेक्टिंग शो कर रहा है। और सबसे पहले जो एयरटेल वाला है वो यहां पर शो करने लगा है स्पीड, यहां पर देख सकते हो क्या स्पीड मुझे मिल रहा है, 141 142, यहाँ पर कुछ इतना स्पीड मिल रहा है आप देख सकते हो। और जियो जो वाला है वो कनेक्टिंग ही कर रहा है अभी तक। तो यहाँ पर अपलोडिंग जो, मतलब डाउनलोडिंग स्पीड है एयरटेल का 138 Mbps आया है। और अपलोडिंग की बात करें तो यहाँ पर अपलोडिंग जांच हो रहा है। और जियो का बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो है 300 से 400 के आसपास टच करने वाला है। और क्या स्पीड मिल रहा है आपके सामने, सारे के सारे चीज़ें लाइव हैं, आप देख सकते हो क्लियरली। बाकी यहाँ पर देख सकते हो एयरटेल का जो है 138 Mbps जो डाउनलोडिंग आ चुका है, और अपलोडिंग की बात करें तो 84.6 Mbps आ गया है एयरटेल का बात कर रहे हैं। और जियो का बात करें तो 447 Mbps डाउनलोडिंग स्पीड, और अपलोडिंग की बात करें तो यहाँ पर अपलोडिंग जो है अभी कंटिन्यूसली 26-27 Mbps शो कर रहा है। चलो देखते हैं कि कितना देर में, मतलब यहाँ पर शो, मतलब इसका जो रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हो अपलोडिंग की बात करें तो 26.8 Mbps अपलोडिंग आया है। इसमें बहुत सारे सिचुएशन ये भी आया है, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीड मुझे मिला है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्क्रीन शॉट के थ्रू, आप जरूर देख सकते हो। तो गाइस आई होप कि आपने स्पीड टेस्ट देखा होगा, और दोनों का क्या स्पीड आ रहा है क्या नहीं आ रहा आप लोगों को पता चल गया होगा। कहीं कहीं जो है जियो का स्पीड मतलब ज़्यादा आ जाता है, कहीं कहीं बात करें तो एयरटेल का स्पीड ज़्यादा आ जाता है, मतलब दोनों काफ़ी मतलब टक्कर में और काफ़ी सही है। आपके एरिया में कौन सा आया है और कौन सा यूज़ कर रहे हो आप लोग जरूर से कॉमेंट में बताते जाना। और आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर से करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो। मेरा जो एयरटेल का 5G चल रहा था, अनलिमिटेड चला था, बट अभी के समय में मेरा मतलब एयरटेल का जो 5G वो अनलिमिटेड नहीं चल रहा है, मतलब जो 1.5 GB रोज मिलता है वो खत्म हो जा रहा है। पता नहीं क्या आपका भी ऐसा इशू आ रहा है, ऐसा आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर से बताना। मतलब मैं सोच, मतलब कुछ दिन बहुत मैं अच्छा सा यूज किया, मतलब और 10-15 दिन यूज करने के बाद मैं मतलब 300-400 GB में खत्म कर दिया हूं। उसके बाद मेरा मतलब चला रहा हूं तो 5G अनलिमिटेड चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। मैंने कंपनी से बात किया तो वो लोग बोल रहे हैं कि आपके एरिया में 5G आया ही नहीं है, और मेरे एरिया में वाई 5G चल रहा है, आप लोग को पता ही होगा। क्या ये इशू आपके में भी आ रहा है, आ रहा है तो जरूर कमेंट्स में बताना। और आपको कोई सोल्यूशन मिला है कि नहीं, और कोई आपके पास सोल्यूशन है इसका तो मुझे भी कमेंट बता देना, ताकि मैं इस चीज को फिक्स कर सकूं। और मैं भी मतलब अनलिमिटेड का बात ही कुछ और होता है यार, मतलब 1.5 GB मिल रहा है, 5G में पता ही नहीं चल रहा है कब खत्म हो जा रहा है कब नहीं। तो ये इशू है, और क्या बताएं, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब जियो में पता नहीं ऐसा है कि नहीं है, लेकिन एयरटेल में ऐसा है। मेरा मतलब 5G अनलिमिटेड नहीं चल रहा है, 1.5 GB प्रतिदिन मिलता है वो खत्म हो जाता है, पता नहीं क्यों, मतलब ऐसा है जो आपको मैंने बता दिया। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाओ। और मैं तो भाई, मेरे को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है एयरटेल से, मैं मतलब बात किया तो वो बोल रहे हैं कि सही हो जाएगा, ये है 3-4 दिन बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता सही होगा। क्या सही होगा कि नहीं होगा आप लोग बाकी बता सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।